अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए ओबीसी वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, आदिवासी वर्ग के अफसर सिर्फ 0.1% डिसीजन लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हुआ तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। अब जैसे ही मुझे यह बात समझ आई, मैंने इलाज निकाला। मैंने कहा देखिए, सबसे पहला कदम यह है कि इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, यह हमें पहले पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने का तरीका जाति जनगणना। जाति जनगणना के बाद पूरे देश को पता लग जाएगा कि भैया इस देश में ओबीसी इतने, दलित इतने, आदिवासी इतने, और फिर सब वर्ग को सरकार चलाने में भागीदारी मिल सकेगी। ओबीसी युवा आज भटकता है सड़क पर, बेरोजगार मिलता है। इसका कारण कि सरकार को चलाने में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। अगर आपको सरकार चलाने में भागीदारी होती, आपके लोग यहां बेरोजगार नहीं दिखाई देते। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ में हमने निर्णय लिया कि जो छत्तीसगढ़ का किसान है उसे हम छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन की नींव बनाएंगे। और हमने 2-3 ऐतिहासिक निर्णय लिए। पहला निर्णय, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। और जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने कर दिया। दूसरा निर्णय, छत्तीसगढ़ के किसानों को, वहां धान ज्यादा उगता है, छत्तीसगढ़ के किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए मिलेगा और वो बढ़ता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो पहले 2,500 था, आज छत्तीसगढ़ में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल धान मिलता है। अब बात समझिए, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। उसके बाद हमने कहा कि जो मजदूर खेत में काम करता है उसको हम 7,000 रुपए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डालेंगे और आज वो 10,000 रुपए का हो गया। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने किसानों के जेब में पैसा डाला, मजदूरों के जेब में पैसा डाला, उनको सही दाम दिया जो यहां पे आपको मिल नहीं रहा है, आपको गेहूं के लिए, सब्जी के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिल रहा, तो आप सब कर्ज में हो, कर्ज लेते हो, फिर आपको आत्महत्या करनी पड़ती है। आप छत्तीसगढ़ में पूछिए आत्महत्या कितने किसान कर रहे हैं, आपको मिलेंगे नहीं। मैं किसानों से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा भैया बताओ आपके खेत का दाम क्या है। मैं हैरान हो गया, किसान मुझे कहता है मुझे दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें अपने खेत का दाम नहीं मालूम? कहता नहीं मालूम। मैंने कहा क्यों? कहता मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा, मैं कभी नहीं बेचूंगा इस खेत को, बेचने की जरूरत नहीं है, जेब में पैसा आ रहा है, कर्ज नहीं है, खेत को नहीं बेचूंगा, मुझे दाम क्या है उससे क्या लेना देना। तो किसानों को हमने उनकी जिंदगी बदल दी छत्तीसगढ़ में। हुआ क्या,
किसान और मजदूर ने अपना पैसा खर्च किया। अच्छा, किसान और मजदूर पैसा कहां खर्च करेंगे? गांव में करेंगे, शहरों में करेंगे? तो सीधा का सीधा पैसा किसान के जेब से, मजदूर की जेब से छोटे दुकानदार की जेब में गया। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था गांव में और शहरों में चालू हो गई। अब बीजेपी दूसरी तरीके की सरकार चलाती है, किसानों से पैसा छीनते हैं। यहां पे किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिल सकता। मैं बताता हूं किसको मिला। भाई और बहनों, अच्छी तरह सुनिए। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया किसका पैसा? ओबीसी वर्ग का पैसा, दलित का पैसा, आदिवासी का पैसा, जीएसटी का पैसा, जो जब आप पेट्रोल खरीदते हो, आलू के चिप्स खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, किसान औजार खरीदते हैं, जो आपके जेब से पैसा निकलता है, जीएसटी का पैसा 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गया। ठीक है, 30,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है। बात समझो, आपका पैसा, जीएसटी का पैसा, ये जो युवा ओबीसी युवा खड़े हैं, आपका पैसा आपके जेब में से निकला। आपको कहा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाएंगे आपके लिए। क्या होगा? तूफान आएगा, खेत का नुकसान होगा, आपको बीमा मिलेगा। आपने अपने पैसे भी डाल दिए उसमें। एक तरफ जीएसटी से आपका पैसा गया तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया, दूसरी तरफ आपने डाल दिया तकरीबन 3,000-4,000 करोड़ रुपया आपका गया। कहां गया? 16 कंपनी में। पता लगाया 16 कंपनी की मैनेजमेंट में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या? आपके जेब में से पैसा गया, और जब आपको जरूरत पड़ी, जब ओबीसी किसान का नुकसान हुआ, उन्होंने आपको कहा भैया ईमेल कर देना, टेलीफोन मार देना। और जब आप ईमेल करते हो, वहां पर जवाब आता है भैया यहां पे तो ईमेल ही नहीं है। टेलीफोन करते हो, कहते भैया टेलीफोन हम नहीं जानते तुम्हारा, तुम्हारे खेत को तो नुकसान ही नहीं हुआ। तो ओबीसी से, दलित से, आदिवासी से पैसा निकला, 16 कंपनी वालों को पहुंच गया। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, कहते नरेंद्र मोदी कहते हैं सारा प्राइवेट कर दो, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे सबके सब प्राइवेटाइज कर दिए। तो ये हुआ क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट में आदिवासी थे, दलित थे, ओबीसी थे, उनको परे कर दिया, कंपनी बेच दी, उनको बेरोजगार कर दिया, और 2-3-4 लोगों को पूरा का पूरा माल बेच दिया, देश की पूंजी बेच दी। ये अदानी बना कैसे? आपने कभी सोचा? ये अदानी एयरपोर्ट खरीद लेता है, पोर्ट्स खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूं, आपके जेब में से पैसा निकलता है कैसे? जीएसटी के माध्यम से। आप टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं लग रहा, आपने कुछ खरीदा, एकदम उसमें टैक्स गया। जीएसटी को ओबीसी, दलित, आदिवासी टैक्स कह देना चाहिए। ये लो, आप लोग टैक्स दे रहे हो, आपका पैसा जा रहा है सरकार में, सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में डाल रही है,
और अदानी जी को पब्लिक सेक्टर बैंक लोन दे रही है। यहां पे कोई ओबीसी है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है जिसको बैंक ने बैंक लोन दिया? नहीं मिल सकता। अगर आपका नाम अदानी होता लाखों करोड़ रुपए आपके हवाले हो जाते। तो बीजेपी ऐसी सरकार चलाती है, आप में नफरत फैला देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे और फिर आप जीएसटी में पैसा डालोगे। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है डायरेक्ट। तो दो सरकारें चल सकती हैं, एक सरकार जो किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की रक्षा करती है, और दूसरी सरकार जो अरबपतियों की रक्षा करती है। किसानों को आपने पैसा दिया, मजदूरों को आपने पैसा दिया, वो गांव में उसको खर्च करेगा, शहर में उसको खर्च करेगा, छोटे दुकानदार को फायदा होगा। आपने अदानी जी को पैसा दिया, अमेरिका में खर्च करेगा।